मूविंग ऑन, इस लिस्ट में डीनो मौर्या का भी नाम शामिल है। सुनने में आया है कि लारा डीनो की पार्टिंग हैबिट से काफी परेशान है और इसलिए वो डीनो से अलग होना चाहती है। लेकिन डीनो कम कहाँ है, डीनो ने भी बिना वक्त गवाए क्रॉस कनेक्शन बना लिया है। फास्ट मैन मस्त से डीनो और लारा, क्या आपका ब्रेकअप हो चुका है? उसके बारे में नो कमेंट कहना चाहता हूँ। देखा ना आपने, एक वक्त में साथ साथ नजर आने वाले डीनो और लारा कैसे अपने ब्रेकअप के बारे में कह रहे हैं नो कमेंट्स। हाँ, जब कहने को कुछ ना बचे तो नो कमेंट्स कह देना ज्यादा आसान लगता है, पर इस ब्रेकअप की वजह क्या है, यही सवाल आ रहा है ना आपके मन में भी। तो इसका जवाब है ये मोहतरमा, पहचाना इन्हें, फैशन डिजाइनर नंदिता मेहतानी, वही नंदिता जिनका पहले क्रॉस कनेक्शन करिश्मा कपूर के हस्बैंड संजय कपूर के साथ था, फिर इनका नाम डीनो मौर्या से जुड़ा, फिर नंदिता का क्रॉस कनेक्शन रणबीर के साथ भी जुड़ा, और अब एक बार फिर नंदिता के कनेक्शन ने उड़ा दिया है डीनो लारा का कनेक्शन। इस बारे में वो अब किसी से बात भी नहीं करना चाहते। लारा और डीनो के ब्रेकअप के लिए आपको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? लारा और डीनो के ब्रेकअप के लिए आपको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? खबर है कि शाहरुख खान की पार्टी में नंदिता और डीनो के बीच जमकर फ्लर्टिंग हुई। इस बात से लारा को ऐसी मिर्ची लगी कि उन्होंने डीनो से कनेक्शन तोड़ लेना ही बेहतर समझा। वैसे लारा और डीनो के ब्रेकअप के लिए डीनो की पार्टिंग को भी बताया जा रहा है, पर ये तो स्टार्स की लाइफस्टाइल का ही एक हिस्सा है, इससे भला किसी का दिल क्यों टूटेगा। और डीनो जहां भी जाते थे लारा को भी तो अपने साथ ले जाते थे, पर अब लगता है डीनो भी लारा से इतने खफा है कि उन्होंने लारा से रिश्ते सुधारने की कोई कोशिश ही नहीं की। तभी तो डीनो अपने रिश्ते पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। उसके बारे में नो कमेंट कहना चाहता हूँ। तो ये है बॉलीवुड के एक और नए क्रॉस कनेक्शन की दास्तान, जो डीनो का लारा से टूटा और फिलहाल लगता है नंदिता से जुड़ गया है। फिलहाल लारा है सिंगल अगेन। चेतना सिंह, जूम मोबाइल।